25 मई साल 2013 जब छत्तीसगढ़ की चीरम घाटी गोलियों से थर्रा उठी थी, धमाकों की गूंज से कांप उठी थी और रक्त रंजित हो गई थी धरती। लाल आतंक का तांडव ऐसा कि कांग्रेस के काफिले पर नक्सलियों के हमले में 32 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में कांग्रेस के महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, उदय बुद्धियार के अलावा सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के टॉप लीडर्स सुकमा में परिवर्तन रैली खत्म कर जगदलपुर जा रहे थे, तभी नक्सलियों ने रक्त रंजित करने वाली वारदात को अंजाम दिया। ये चुनावी साल था, मई की तपती दोपहरी थी, चुनाव की रणभेरियां बज चुकी थी, मैदान में उतरकर पार्टी के लिए नेता पसीना बहा रहे थे। कांग्रेस नेता बस्तर का दौरा कर रहे थे, माहौल तैयार हो रहा था, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होना है। फिर 25 मई को जो हुआ वो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड है। 10 साल बाद आज भी वो जख्म ताजा हो जाते हैं। झीरम की बरसी पर नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। परिणाम दोपहर 12:27 पर मंडल मुख्यालय के विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र स्थित ऑडिटोरियम में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जारी किए। रिजल्ट 63.29% रहा। ये पिछले साल से अच्छा है। इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। टॉप 10 में 254 स्टूडेंट्स आए हैं। इंदौर के मृदुल पाल प्रदेश में टॉपर रहे। इंदौर की प्राची गढ़ा दूसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर अनुभव गुप्ता उमरिया, अभिषेक परमार अकोदिया। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे साथ साथ घोषित किए गए हैं। 12वीं में छतरपुर के विकास द्विवेदी ने स्टेट टॉप किया है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की मौली नेमा और शाजापुर के ऋतिक पटेल दूसरे स्थान पर है। नर्मदापुरम के नारायण शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। मौली कला संकाय वर्ग में प्रदेश में पहले स्थान पर आई है। एमपीपीएससी मुख्यालय भोपाल में नतीजे जारी करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस बार 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ जारी किए गए हैं। 12वीं का रिजल्ट 55.28% रहा। 52% लड़के सफल हुए, जबकि 58% लड़कियां इस परीक्षा में सफल हुई है। अलग अलग स्ट्रीम की बात करें तो 12वीं कॉमर्स में 5 छात्र संयुक्त रूप से टॉपर रहे। इधर पांचों छात्रों को 482 अंक मिले हैं, जबकि 12वीं की गणित में नारायण शर्मा ने टॉप किया है, उन्हें 488 अंक मिले हैं। 12वीं बायोलॉजी में विकास द्विवेदी 491 अंकों के साथ अव्वल पर, दूसरे स्थान पर 489 अंकों के साथ ऋतिक पटेल रहे हैं। वही 12वीं आर्ट्स में छिंदवाड़ा की मौली नेमा ने टॉप किया है। भोपाल की सोनाक्षी और समीका दूसरे स्थान पर रहे। मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से जिन छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया था, इस कारण इस साल 12वीं के रिजल्ट प्रतिशत में काफी गिरावट आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी जारी की है कि दुनिया को अगले महामारी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जो कि कोविड-19 महामारी से भी अधिक घातक हो सकती है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दुनिया भर में कुछ हद तक स्थिर बने हुए हैं और लगातार कम होते जा रहे हैं। WHO प्रमुख ने चेतावनी जारी कर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। WHO प्रमुख ने चेतावनी दी कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, इसका एक और प्रकार से उभरने का खतरा बना हुआ है जो बीमारी और मौत का कारण बनेगा। WHO चीफ ने कहा कि आने वाले वायरस काफी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। अगली महामारी दस्तक दे रही है और जब पता है कि वो आएगी तो हमें निर्णायक, सामूहिक और समान रूप से जवाब देने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट हो गई है। पाकिस्तान से सटे राजस्थान और राजस्थान से लगे मध्य प्रदेश के 16 जिलों में पोलियो के संभावित खतरे को देखते हुए 28 मई को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इंदौर में भी इसके लिए जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है और जिले में 3800 से ज्यादा केंद्रों पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी। इस दिन जिले में 5,20,372 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जो बच्चे 28 मई को टीकाकरण केंद्र पर पोलियो निरोधक दवा पीने से वंचित रहेंगे, उन्हें 29 और 30 मई को घर घर जाकर पोलियो निरोधक दवा दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत में 2011 के बाद एक भी केस पोलियो का नहीं मिला और 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी पोलियो के नए केस पाए जा रहे हैं।
जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर भारत के पड़ोसी राज्यों में एक बार फिर से पोलियो अभियान चलाया गया है। केरल में धर्मांतरण और लव जिहाद को दर्शाती फिल्म द केरला स्टोरी की स्टारकास्ट तस्वीरों में फिल्म के निर्माता विपुल शाह, आशिन शाह, अभिनेत्री अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी नजर आ रही हैं। साथ ही नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दरअसल फिल्म के स्टारकास्ट गडकरी से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिनके साथ केंद्रीय मंत्री ने काफी देर तक बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने ऐसी फिल्म के लिए सभी को बधाई दी। आपको बता दें कि रिलीज के बाद से ये फिल्म काफी सुर्खियों में रही, इसे लेकर विवाद भी खड़ा हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार ने तो इस पर बैन लगा दिया, जबकि कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। आपको बता दें कि फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई भी की, कमाई का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंच चुका है। जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठे ये हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और साथ में उनके समर्थक। जीप जहां रफ्तार भर रही है वो है भोपाल के करीब 50 साल पुराने भानु टॉकीज के पास बना आरओबी। इस रेलवे ओवर ब्रिज पर 6 महीने के बाद फिर से ट्रैफिक शुरू हुआ है। विश्वास सारंग ने इसका लोकार्पण किया, उनके साथ मेयर मालती राय भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद सारंग ने जीप भी चलाई, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि ब्रिज के कुल 360 बैरिंग और 15 जॉइंट्स बदले गए हैं, इससे ब्रिज की उम्र करीब 25 साल बढ़ गई है। आपको बताते चले कि विश्वास सारंग ने 8 मई को आरओबी का निरीक्षण किया था। सारंग ने यह भी बताया कि भोपाल के बड़े क्षेत्र को स्टेशन से जोड़ने वाले भारत टॉकीज के आरओबी का लोकार्पण कर दिया गया है। काफी पुराना होने से बैरिंग खराब हो गई थी और अब इसके शुरू हो जाने से बड़ी आबादी को उसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों को लेकर अब एहतियात बढ़ाए जा रहे हैं। कूनो में अब तक 4 चीतों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद चीतों के रखरखाव और वातावरण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब 29 मई को भोपाल में चीतों को लेकर समीक्षा बैठक होगी, उसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस दौरान कूनो के वातावरण, चीतों की निगरानी और व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी। दरअसल दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते तो लाए गए, लेकिन 4 चीतों की मौत ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए। मरने वाले चीतों में एक नर चीता, 2 मादा और 1 शावक की जान गई है। संभव है कि समीक्षा बैठक में चीतों के रखरखाव को लेकर जरूरी फैसले लिए जाएंगे। देश भर में 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो गई। वर्तमान हालातों को देखते हुए लग रहा है कि इस साल नौतपा थोड़ा कम तपेगा। मध्य प्रदेश में नौतपा के पहले दिन आशंकाओं के मुताबिक गर्मी कम देखने को मिली। प्रचंड गर्मी की आशंका थी, लेकिन पहले दिन मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश की आशंका जताई। नौतपा का कम तपना ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि प्रदेश के एक हिस्से में तेज गर्मी पड़ रही है। वहीं कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भी प्रदेश के कई जिलों में पानी गिरा। सिवनी में 1, ग्वालियर में 0.2 मिलीमीटर पानी गिरा है। हालांकि राजधानी भोपाल में तापमान 42 डिग्री के करीब जा पहुंचा है। कई अन्य जिलों में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। अगर मंगलवार बुधवार के दरमियान रीवा में 5.2, सतना में 3.2, दतिया में 2.8, सिवनी में 0.6 किलोमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। खजुराहो और ग्वालियर में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। गुरुवार से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले दिन आसमान में बादल छाए रहे, कई जिलों में बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। कुल मिलाकर मौसम सुहाना बना रहा। इस साल नौतपा में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के साथ ही दुर्ग के कई क्षेत्र कम तपने वाले हैं। वहीं रायपुर में मौसम का मिजाज सामान्य रहेगा, लेकिन बस्तर क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। लेकिन घर वापसी पर हमारा भरोसा है, बांग्लादेश से आई है। और बस इसी अर्जी ने बालाघाट की रामकथा और बागेश्वर सरकार के इस आयोजन को खास बना दिया। इससे पहले भी उनके छतरपुर से बिहार तक उनके भक्तों की आस्था का सैलाब था। लंदन से अमेरिका तक बाबा के भक्त थे, लेकिन इस बार मामला सरहद पार नहीं,
मजहब पार से आया था। किसी मुस्लिम को सनातन की चाहत इस सन्यासी के पास खींच लाई हो, ये सभी ने देखा है। ये पहली बार हुआ कि बंदिशों की बेड़िया काट कर कोई बहन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास आई, और वो भी सिर्फ मोबाइल पर उन्हें सुनने के बाद। इतना ही नहीं, बाबा ने साफ कर दिया कि अब बालाजी की कृपा उन पर हमेशा रहेगी, जैसे वीजा में लीला हुई वैसी ही रहेगी। बहन की सुरक्षा को आश्वस्त करने के साथ साथ बाबा ने फिर दोहराया कि हम धर्मांतरण के खिलाफ हैं, लेकिन घर वापसी के साथ हैं। मार्के की बात तो ये रही कि बाबा ने हर व्यावहारिक पहलू इसे समझाया, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम युवती अपने सनातन वापसी के फैसले पर अड़ी रही। आदि से अनंत तक शाश्वत सनातन, शब्दों से इसकी लकीर मात्र नहीं खींची जा सकती, लेकिन इसकी श्रेष्ठता सिर्फ एक लाइन में है, जो ये मुस्लिम युवती कहती है कि जब से राम नाम जप रही हूँ, हर मुश्किल दूर हो गई है। नाम स्वर्ण रेखा, लेकिन हालात किसी गंदे बदबूदार नाले जैसे। किसी जमाने में इसे ग्वालियर की लाइफलाइन कहा जाता था। राजा महाराजाओं के दौर में लोग इस नदी में नहाने के लिए आते थे। शहर के बीचों बीच से बहने वाली स्वर्णरेखा नदी शहर के पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा करती थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों से स्वर्णरेखा में शहर के नालों के मिलने से हालात बिगड़ने लगे हैं। नदी के किनारों पर अतिक्रमण और पक्का निर्माण होने से धीरे धीरे इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। स्वर्ण रेखा के आसपास शहर के करीब 2 लाख से ज्यादा आबादी रहती है। ये लोग आज इस नाले के बदबूदार पानी और बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने, साफ पानी बहाने, नाव चलाने के नाम पर बीते 20 सालों से सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज स्वर्णरेखा नदी में गंदे पानी का बहाव हो रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को फिर से हवा देने में जुट गए हैं। इससे ये साफ हो गया है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में स्वर्णरेखा नदी का कायाकल्प भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। अवैध रेत खनन के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर एनजीटी के द्वारा लगाई गई रोक के बाद भी जिले में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्थिति ये है कि चंबल सहित अन्य नदियों से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन अभी भी जारी है। ताजा मामला मुरैना के बाईपास इलाके का है, जहां रेत माफिया के द्वारा रेत अवैध परिवहन कर सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद कोतवाली सिविल लाइन और स्टेशन थाना ने चिन्हित इलाकों में छापेमारी की। पुलिस टीम को देखते ही माफिया रफू चक्कर हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस टीम ठहरी नहीं, 4 किलोमीटर तक माफियाओं को खदेड़ती रही। माफिया तो मौके से फरार हो गए, लेकिन 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया। ट्रैक्टर ट्रॉलीज को पकड़कर उनसे उनके चालकों से पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को कमजोर करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष नक्सलियों के लिए जमा की गई 100 बोरी चावल और विस्फोटक सामग्री सहित सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है। चेरपाल निवासी निर्मल जुमड़े ने नक्सलियों का अनाज स्वीकार करने की बात स्वीकार की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे दंतेवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में हाथियों का रिहायशी इलाके में घुसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला धमतरी जिले का है, जहां कोटरवाही गांव के गौठान में 3 दंतैल हाथी घुसाए। शाम के वक्त गांव में हाथियों के आने से ग्रामीणों में भी हड़कंप मच गया।
इधर हाथी घूमते हुए गांव में बने गौठान में घुस गए और मवेशियों के लिए रखे गए चारे को चट कर गए। इसके बाद आते जाते हुए रास्ते में लगी फसलों को भी उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है। इधर वन विभाग और ग्रामीण मिलकर रात भर हाथियों की निगरानी करते रहे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में संचालित सिटी बस सेवा का बुरा हाल है। जिले को संचालन के लिए 10 बसेस मिली थी जो सड़कों पर रफ्तार भरने के बजाय कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। तत्कालीन रमन सरकार के समय सस्ती दर पर स्थानीय स्तर पर परिवहन सुविधा मुहैया कराने के लिए बस सेवा शुरू की गई थी। ग्रामीण बताते हैं कि शुरुआत के 2 साल तो बसेस ठीक चली, लेकिन उसके बाद इनकी हालत खराब होने लगी। गौरतलब है कि राजनांदगांव शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी के तहत कवर्धा जिले में धनी ट्रेवल्स को बस संचालन का ठेका मिला था। ठेके की मियाद खत्म हो चुकी है। नगर पालिका को इसके निरीक्षण और देखरेख का जिम्मा दिया गया था। क्या नजारा है। छत्तीसगढ़ में भालुओं के मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आए दिन ग्रामीण इलाके में भालू देखे जाते हैं। तस्वीरें पेंड्रा जिले की हैं, जहां शाम के वक्त सड़क किनारे भालू को देखा गया। मरवाही के माड़ाकोट के पास भालू को देखा गया है। रास्ते से गुजरते हुए किसी ने इस भालू का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भालू यहां से गांव की तरफ जाने की कोशिश में था। संभव है कि भालू गांव की तरफ ही गया हो, लिहाजा ग्रामीणों में इसे लेकर भय भी बना हुआ है। बढ़िया। 28 मई का दिन उस समय स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर तमिलनाडु से आए विद्वान पीएम नरेंद्र मोदी को सिंगोल देंगे। एक तरह का राजदंड है जिसे 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित नेहरू को सौंपा गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जो सिंगोल चर्चा का विषय बना हुआ है, वो आखिर इतने सालों तक कहाँ था? दरअसल इलाहाबाद म्यूजियम की नेहरू गैलरी में गोल्डन स्टिक के नाम प्रदर्शित वस्तु ही सिंगोल यानी राजदंड है, जो अब नए संसद भवन की शान बनेगा। संसद भवन में रखने के लिए इसे नवंबर 2022 में ही नेशनल म्यूजियम भेजा जा चुका है। गोल्डन स्टिक को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में इलाहाबाद म्यूजियम को सौंपा था। तब से गोल्डन स्टिक नेहरू गैलरी और म्यूजियम की पहचान थी। हालांकि इसकी समृद्ध परंपरा की जानकारी कम लोगों को ही थी। सिंगोल भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है। जब अंग्रेजों ने भारत की आजादी का ऐलान किया था, तो सत्ता का स्थानांतरण के प्रतीक के तौर पर सिंगोल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सुदूर इलाके से सड़क पर बाघ की मस्ती का एक वीडियो सामने आया है। जंगली रास्तों पर उस वक्त एक बाघ सामने आ गया जब ग्रामीण देर शाम गुजर रहे थे। बताया जाता है कि गोवर्धना वन क्षेत्र के शेरवादोन से मरहनी जाने के रास्ते पर बाघ के दिखने के बाद वीडियो बनाने के लिए ग्रामीणों की होड़ लग गई। ग्रामीणों की ओर से बनाया गया ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे रेत पर बाघ इधर से उधर जा रहा है। लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन बाघ अपने में मस्त है। इस दौरान लोग डर भी रहे थे, लेकिन वो वीडियो बनाने और बाघ को देखने के लिए व्याकुल और बेचैन दिखे। लोगों के मुताबिक काफी दिन बाद ऐसा हुआ है कि उनको बाघ का दीदार हुआ है। कभी कभार बाघ दिखता था, लेकिन इतनी देर तक शायद पहली बार लोगों ने बाघ का दीदार किया। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, इसी संदेश के साथ कोलकाता के जयदीप चक्रवर्ती और मोहम्मद इरफान सिद्दीकी अपने 4 दोस्तों के साथ साइकिल पर सवार होकर भारत भ्रमण पर निकले हैं। अब तक 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सभी लोग हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे, तो लोगों ने इनका स्वागत किया। ये सभी लोग अभी